हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे करिश्मा ही पेड़ के पास लेके आया हूँ जहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है, मतलब ये कुदरत का करिश्मा है। तो फ्रेंड, मैंने एक वीडियो इसका पहले अपलोड कर रहा था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, जो ऑडियंस परेशान हो गई थी, मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देख पाई थी। मैंने वो वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि रात के समय, तो मैं अभी आपको ये ज़ियारत करा देता हूँ आपको पेड़ की, जो कुदरत का करिश्मा है। एक तरीके से अल्लाह लिखा हुआ है इस पेड़ पे, तो अभी उसको शीशे में पैक कर दिया है। आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है, मैं आपको इसको बैक कैमरे से बताता हूँ किस तरह का नज़ारा है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना। एंड देख सकते हो ये पेड़ है, यहाँ से मतलब बाहर का नज़ारा बता देता हूँ। अभी आपको पास जाके भी बताता हूँ तो किस प्रकार का नज़ारा है ये पूरा। फ्रेंड, यहाँ पर आने के बाद बहुत ही शांति मिलती है, और ये करिश्मा है एक तरीके से कि पेड़, अल्लाह लिखा हुआ ये जड़ के अनुसार पूरा देख सकते हो आप। काफ़ी बढ़िया सीन आपको नज़र आएगा जितना जूम हो रहा है, मैं यहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ अभी, और आपको पास ले जाके भी बताऊँगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप आ सकते हो, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाहर रेलवे स्टेशन जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना, तो उल्टे हाथ की साइड आना, आपको ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता, आप पैदल पैदल आ सकते हो। ये पूरा पीपल का पेड़ है जो आपको नज़र आएगा, काफ़ी बढ़िया सीन है। मैंने इसका वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो ऑडियंस परेशान हो गई थी, तो उन्होंने पूरा नहीं देखा, इसलिए मैंने एक बार फिर से ये वीडियो बनाने के लिए सही समझा। तो देख सकते हैं आप, अभी चलिए फ्रेंड, चलते हैं पास, और पास का नज़ारा बताता हूँ आपको। मैंने हालाँकि पहले वीडियो डाला था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ से वापस, मतलब छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका। तो आप ये देख सकते हो, ये पेड़ है, इसमें अल्लाह लिखा हुआ है, कुदरत का करिश्मा है एक तरीके से। ये पूरा नज़ारा है यहाँ का। ये आपको रेलवे स्टेशन से यहाँ आओगे, आप उल्टे हाथ की साइड बाहर निकलोगे तो ज़्यादा आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, और ये आपको करिश्मा पेड़ की ज़ियारत हो जाएगी। हालांकि मैंने इसका एक रास्ता समेत पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन उससे क्या ऑडियंस ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो 10 मिनट का लगभग का वीडियो बन गया था, काफ़ी लंबा हो गया था वीडियो। तो मैं आपको ये कुछ छोटा वीडियो बना के बता रहा हूँ किस प्रकार का नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी शानदार है। आप ये देख सकते हो, एक शीशे के अंदर है जिसमें अल्लाह लिखा हुआ है, ये एक तरीके से कुदरत का करिश्मा है। तो आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये भी पढ़ा देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अजमेर का ये लोकल अखबार है दैनिक भास्कर, यहाँ लिखा हुआ है, पीपल की जड़ों के लिए अल्लाह सबका रूप। ये पीपल की जड़ है जो कि अल्लाह सब कर रखा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, ये ज़ियारत कर ली है, ये एक पीपल के पेड़ की है जो है यहाँ पे, ये पूरा नज़ारा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आगे शेयर करें जिससे कि आगे भी ज़ियारत हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।